रहमान दोस्तों, आज हम बनाएंगे सीखें, वो भी मटन के कलेजी की सीखें बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। ये तकरीबन आधा किलो कलेजी, इसके अंदर आधी चम्मच हम नमक डाल देंगे। बिल्कुल सिंपल और सादा सा हम चीज़ें डालेंगे। तकरीबन एक चम्मच जो हम ज़ीरा डाल देंगे, कुटा हुआ ज़ीरा, बिल्कुल सिंपल, जो घर के अंदर मसाले होते हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं। और आधी चम्मच जो है ना, वो आधी चम्मच से भी कम जो है ना, काली मिर्ची डाल देंगे। और ये कुटी हुई मिर्च है, चिली फ्लेक्स या जो भी आप कहते हैं, और थोड़ी सी जो है ना रेड चिल्ली, 1/8 टेबल स्पून। बिल्कुल लाइट मसालों के अंदर जो है ना, हम ये मटन की कलेजी की सीखे बनाएंगे। और मामूली सा जो है ना, आधी की चमची घी भी डाल देंगे। अभी सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और अदरक और लहसुन और सब मिर्च का जो कूटा हुआ था वो पेस्ट, वो बना वो 1 चम्मच वो डाल देते हैं। अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चलिए जनाब, ये मिक्स हो गई। अभी हमें इसको जो है ना आधा घंटे के लिए ना छोड़ देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह जो है ना कलेजी के अंदर रच बच जाए। आधे घंटे के लिए जो है ना हम इसको कवर कर देंगे, ताकि मसाले वगैरह इसके अंदर जज्ब हो जाएंगे, और उसके बाद सीखे बनाएंगे मज़ेदार। कवर कर दिया है, आधे घंटे तक आपसे मुलाकात कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आधा घंटा हो गया, तो सभी हम सीखे बना लेते हैं। सीखों के अंदर जो है ना कलेजी को परो लेते हैं, परो लेंगे। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, जज़ब हो गया सीखों के अंदर परो के, और हम बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना चूल्हे के ऊपर बनाएंगे, कोलों के ऊपर भी बनाने। इसके अंदर जो है ना 5-5, 6-6 बूटियाँ हम जो है ना सीख के अंदर, इस तरह बस आराम के साथ हाथ में नहीं लगा लेना कहीं। इस तरह जो ना हमने परो लेनी है, इस तरह जो ना हमने इसके अंदर जो ना डाल के सीखों के अंदर, तो साइड पर रखते जाएंगे। सभी सीखे एक दफा ही बना लेनी है। और ये जो कलेजी को ना सीखों के ऊपर परोते हुए एहतियात करनी है, क्योंकि नोकदार होती हैं ये सीखे, तो कहीं लग ना जाए, आपको जख्मी ना कर दे, बड़े एहतियात से। बस इस तरह जो है ना हमने सभी को सीखों के ऊपर परो लेना है। मटन कलेजी आप सीखें, इसकी कलेजी की बना के खाएं, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती हैं। तवे तवे को भी आप भूल जाएंगे, तवे की कलेजी जो है ना खाई होती है वो भी भूल जाएंगे। बिल्कुल लाइट और हल्की, और उन लोगों के लिए ये इंतहाई मफीद है जिनको खून की कमी है, वो बकरे की जो है ना कलेजी लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं। अगर खून की कमी है तो कलेजी को लाजमी इस्तेमाल करें, और इस तरह जो ना इसको हाफ कुक करके खाएं। ये बचा हुआ मसाला जो है ना, इस तरह आप ऊपर इसके लगा लें, ताकि चीज़ें सही ना हो। मेरे जनाब, सीखे हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी हम चूल्हा ऑन करेंगे, हमने बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना चूल्हे के ऊपर ही बना लेंगे। ये चूल्हा ऑन कर लिया, और दरमियानी आँच बिल्कुल हल्की सी आँच के ऊपर जो है ना हम बनाएंगे। अच्छा, चूल्हे के ऊपर जो है ना, अगर आपने डायरेक्ट रखनी है तो हम इसके ऊपर एक दो साइडों पर जो ना ईंटें रख लेंगे, तो एक के संग वो अंगीठी बन जाएगी। ये देख रहे हैं, हमने बिल्कुल जो ना वो कर लिया देसी टोटका, दोनों साइडों पर ईंटें रख के इनके ऊपर जो ना हम इस तरह हैंग कर लेंगे, रखते जाएंगे। ये ले जनाब, बिल्कुल आँच हमने नॉर्मल रखनी है। अभी हमने जो ना चूल्हे को ऑन कर लिया, और सीखे जो है ना हमने ईंटें रखे थोड़ा सा ऊंचा करके, तो इसके ऊपर रखते हैं, हल्की हल्की आँच के ऊपर बनाएं और मज़े एंजॉय करें। कि अभी साइडें जो है ना साथ साथ चेंज करते रहना है, ताकि ये ना कि जल जाए। ये इस तरह की जो सीखें होती हैं ना हमारे यहाँ, वो जब मवेशी मंडी वगैरह लगती है ना इतवार वाले दिन, तो वहाँ बनती हैं, और लोग बहुत ही मज़े ले ले के खाते हैं। खुशबू आना शुरू होगी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, माशाल्लाह बहुत ही जमी जमी लुक जो है ना, और खुशबू भी टेस्ट
अब बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है हमारी, बिल्कुल रेडी होने वाली है। अभी हम इनको कर लेते हैं, ट्रे के अंदर निकाल लेते हैं। ये ना जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की जो रेसिपी है, आज हमने बनाई मटन की सीखे, बिल्कुल रेडी हो गई है। साथ में है रायता, चटनी, ज़बरदस्त मज़ेदार। तो उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली को हमारी वीडियो पसंद आएगी, हमारी रेसिपी पसंद आएगी, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो दोस्त नए आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।